आपको बता दूं कैसे आपको वीवो T3 अल्ट्रा में आपको कैसे सिम कार्ड को लगानी है, तो कैसे आप सिम कार्ड को लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और ले चलता हूं अपने फोन डिस्प्ले पे और आपको बता दूं कैसे आपको सिम कार्ड को लगानी है अपने वीवो T3 अल्ट्रा में। अगर आप सिम कार्ड को लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे लगा सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं या नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिम स्लॉट है, सिम स्लॉट में गड्ढे वाले में आपको यहाँ पे पिन देनी होगी, अन्यथा यहाँ पे स्पीकर आपका खराब हो सकता है। तो यहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे सिम स्लॉट निकाल लेनी होगी। देख लीजिए इस तरह सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे इस तरह सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद क्या करना आपको है, यहाँ पे जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा और इसमें क्या करना है आपको, डबल नैनो सिम आपको लगेगा। इसमें देख पा रहे हो तो डबल नैनो सिम यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिएगा। अब किन किन को तो ये भी डाउट होता है कि आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या नहीं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए इसमें आपको मेमोरी कार्ड लगाना नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे आपको मेरे पास SD कार्ड है और इस SD कार्ड को भी लगाना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि इसमें SD कार्ड नहीं लगेगा क्योंकि ये SD कार्ड में वो बड़ा हो जाएगा, तो SD कार्ड में नहीं लगेगा। सिंपली यहाँ पर डबल नैनो सिम ही इसमें आपको लगा सकते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर डबल नैनो सिम लगा लीजिएगा और इस तरह लगाने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको सिम स्लॉट में इस तरह से लगा लीजिए। देख पा रहे हो तो जैसे निकाले थे आप उसी तरह से यहाँ पर सिम स्लॉट में भी आपको लगा लेनी होगी। लगाने के बाद देख लीजिए मैं लगाता हूँ और यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे लगाने के बाद देख लीजिए सिम आया या नहीं, सिम कार्ड शो हो रहा है या नहीं, तो देख पा रहे हैं एक एयरटेल का शो हो रहा है और एक जियो का देख पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ पे सिम कार्ड को आप लगा सकते हैं। अच्छी लगी वीडियोज तो वीडियोज को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा।